तो सबसे पहले आपको वो 18,000 शेयर्स जिनको हमें ट्रांसफर करना है उनको आपको बांटना है, फिजिकल कितने, डीमैट कितने, डीमैट में एनएसडीएल कितने, सीडीएसएल कितने, अनक्लेम सस्पेंस में कितने, राइट। अब इसके करेक्ट बेस पे करेक्ट हमको, ये पहला प्रोसेस था, फर्स्ट बायफरकेट द फंड, समझ गया। ठीक है। किस किस चीज में? फिजिकल, हाँ फिर डीमैट में एनएसडीएल, सीडीएसएल, अनक्लेम सस्पेंस। अब जनरली अनक्लेम सस्पेंस अकाउंट जो है या तो एनएसडीएल में रहेगा या सीडीएसएल में रहेगा, ओके। तो उसी हिसाब से वो उसके कॉर्पोरेट एक्शन फॉर्म में वो क्लब हो जाता है। और उसके बाद हमको लिस्ट देनी पड़ती है। अब यहाँ पे पहला प्रोसेस था, आपने बायफरकेट किया। दूसरा प्रोसेस था, आपने ऑब्टेन कॉर्पोरेट एक्शन फॉर्म। फ्रॉम आरटीए। और फिजिकल के लिए आपने क्या किया? फिजिकल के लिए आपने कंपनी में आरटीए को रिक्वेस्ट डाली कि मुझे ये जो 3,000 शेयर ट्रांसफर करने हैं जो अलग अलग जी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में है, हाँ आप उसको ट्रांसमिशन दिखा के उनके अकाउंट से हाँ डेबिट करके एक नया सर्टिफिकेट बनाओ और वो सर्टिफिकेट आईपीएफ के नाम पे बना दो हाँ बिना शेयर होल्डर की बना कंसेंट दो। के, क्योंकि उनको कंसेंट देने का मौका करेक्ट। आपने 3 महीना पहले दिया था, जिसको नहीं ट्रांसफर कराना था ही शुड हैव क्लेम डिट। जी हाँ तो जब आरटीए आपको ये कंफर्म करता है कि हाँ हमने ट्रांसफर कर दी, क्योंकि मीटिंग तो आपको अपनी ही दिखानी पड़ेगी, ट्रांसमिशन हाँ अप्रूव करने के लिए आपकी जो शेयर ट्रांसफर कमिटी है या बोर्ड है उसके पास ये प्रपोजल जाएगा, तो जब वो अप्रूव करेगा उसके बाद ही सर्टिफिकेट इश्यू होगा। और वो सर्टिफिकेट आपको दिया नहीं जाएगा, वो आरटीए के पास ही रहेगा। आप एक कॉर्पोरेट एक्शन फॉर्म लोगे, जो इनका पहला कॉर्पोरेट एक्शन है वो है फिजिकल टू एनएसडीएल। तो ये कॉर्पोरेट एक्शन फॉर्म क्या कह रहा होगा? कॉर्पोरेट एक्शन फॉर्म बेसिकली क्या है? कंपनी की तरफ से रिक्वेस्ट टू एनएसडीएल, अगर हम सब एनएसडीएल में हाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या डेबिट चेस। दी शेयर्स एंड क्रेडिट आईपीएफ एनएसडीएल अकाउंट। अब ये कौन से शेयर्स हैं? ये फिजिकल शेयर है, राइट? ये फिजिकल से डीमैट जा रहे हैं बिना सर्टिफिकेट के। तो इसके एंड में हमको क्या मिलेगा? एनएसडीएल विल प्रोवाइड कंफर्मेशन लेटर स्टेटिंग शेयर्स हैव बीन, कि कॉर्पोरेट एक्शन हैज बीन एग्जीक्यूटेड, सीए हैज बीन एग्जीक्यूटेड एंड शेयर्स क्रेडिटेड टू आईपीएफ अकाउंट, राइट। सो इससे क्या होगा? 15,000 में से सिर्फ 3,000 शेयर्स जाएंगे, राइट। ओके ये फिजिकल का सर, था, आवाज कट हो रही है एक सेकेंड, आपस अभी आई प्रॉब्लम, जी आ रही। मुझे समझ आ गई है, सॉल्यूशन निकालना बाकी है, कोई नहीं, निकाल लेना ठीक आज से। है। चलो, ये पहला था फिजिकल टू एनएसडीएल, इससे 3,000 गए। अब हाँ सेकंड आपको कॉर्पोरेट एक्शन फॉर्म लेना है एनएसडीएल टू एनएसडीएल, करेक्ट। हाँ सर, कॉर्पोरेट एक्शन फॉर्म चाहिए क्या दिखाने के लिए? अगर है तो शेयर कर दो। मैं वो अभी लॉगिन करना, लॉगिन कर देता हूँ, 1 मिनट। हाँ करो इतना बैक में एनएसडीएल टू एनएसडीएल, तो ये रिक्वेस्ट है एनएसडीएल को, सेम क्या डेबिट करो शेयर्स कौन से जो एनएसडीएल में। तो इसके साथ क्या देना पड़ेगा आरटीए को? लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। हाँ वो कैसे कर पाएगा जब तक आप उसको लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर नहीं दोगे? तो नहीं कर इसमें पाएगा। कैसे होता है, आप कंपनी जो है वो फॉर्म सबमिट करती है और आरटीए डाटा अपलोड करता है एनएसडीएल के सिस्टम पे, ओके समझा। आरटी करे बेसिकली। और एनएसडीएल उसको अप्रूव करता है। ओके। जी सर, ये तीन प्रोसेस होने के बाद ही डेबिट क्रेडिट होता है।
जी ये सेकंड था जो एनएसडीएल टू एनएसडीएल प्लस अनक्लेम्ड के लिए भी चलेगा अगर हमारा अनक्लेम्ड अकाउंट एनएसडीएल में ही था, और तीसरा प्रोसेस जो है वो एनएसडीएल टू सीडीएसएल हो गया, मतलब सॉरी सीडीएसएल टू एनएसडीएल हो गया, जिसमें जो भी शेयर सीडीएसएल में है उनको डेबिट करके आईपीएफ के एनएसडीएल को अकाउंट को करने को क्रेडिट करने को बोला जाएगा। तो यहाँ पे 10,000 शेयर ट्रांसफर हो गए, और यहाँ पे कितने ट्रांसफर हो गए, 4,000, 4,000 और ऊपर 11,000 हो गए वो पकड़ के अनक्लेम सस्पेंस। तो कैसा हुआ, कंपनी ने फॉर्म सबमिट किया, फीस जमा कराई, आरटीए ने डाटा अपलोड किया शेयर होल्डर्स का, एनएसडीएल ने अप्रूव किया, अप्रूव करने के बाद आपको तीन लेटर आए अब आपके पास, करेक्ट, फिजिकल टू एनएसडीएल का कॉर्पोरेट एक्शन आया, एनएसडीएल और अनक्लेम का कॉर्पोरेट एक्शन का लेटर आया, सीडीएसएल टू एनएसडीएल का आया, राइट। इन सब के बेस पे जब ये लेटर जब तक आएंगे फिर अब आप फॉर्म भरोगी आरओसी में आईपीएफ 4। ओके, आरओसी को कैसे मालूम पड़ेगा भाई? तो आरओसी को आईपीएफ 4 भरोगी, इसमें बोलोगी मैंने इतने शेयर्स कर दिए, 18,000 शेयर्स ट्रांसफर्ड ऑन सो एंड सो डेट, जो भी लास्ट डेट है आईपीएफ ऑन लास्ट डेट, जो अलग अलग डेट आएंगी सबकी, उसको जब आप करोगी अटैचमेंट में क्या लगाओगी, ये कॉर्पोरेट एक्शन फॉर्म्स जो लेटर्स आते हैं 18,000 शेयर्स के जो एनएसडीएल आपको दे रहा है, प्रोवाइडेड बाय एनएसडीएल, राइट। उसके बाद क्या होगा, आप डाटा अपलोड करोगे, और ये दोनों चीजें होने के बाद आपका फॉर्म अप्रूव होगा। अब डाटा अपलोड होगा आईपीएफ की साइट पे, ओके, जैसे हमने उसमें किया था, इधर हम करेंगे अपलोड करेंगे, हमको चलान आएगा, चलान के अंदर आईडी एंड पासवर्ड लिखा रहेगा, अच्छा ओके, उस आईडी पासवर्ड से आप आईपीएफ की साइट पे जाके लॉगिन करोगी, ओके, लॉगिन करने के बाद आपको एसआरएन डालोगी, एसआरएन डालोगी तो वो एक्सेल फाइल पूछेगा, ओके, कि डाटा किस चीज का अपलोड है, लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स जिनका आपने डिविडेंड ये शेयर ट्रांसफर किए, हाँ, अब ये डाटा कौन देगा, ये आरटीए देगा, आपने किया, फिर आप उस डाटा को कंफर्म करोगी तो आपको अप्रूवल की मेल आएगी, समझा, और फिर आप कहोगे कि देखो मैंने 2013-14 का डिविडेंड एज वेल एज शेयर्स ट्रांसफर कर दिए, और फिर ये जो ट्रांसफर किए इसकी डिटेल्स आप अपनी वेबसाइट पे चढ़ाओगी। हाँ। अब ट्रांसफर कर देने के बाद क्या होता है, 10 मिनट है ना, यूज कर लेते हैं। अब जो शेयर होल्डर है जिसका वो पैसा आपने ट्रांसफर कर दिया, अब वो जागता है क्योंकि उसके अकाउंट से शेयर चले गए, हाँ। वो कंपनी को अप्रोच करता है कि अरे मेरे डीमैट में शेयर नहीं दिख रहे, तो आप बोलते हो कि आपने क्लेम नहीं किया था, आप आईपीएफ में चले गए, तो आप उसको क्या बोलते हो कि आईपीएफ 5 फॉर्म भरो आरओसी में, हाँ। और वो फॉर्म भर के उस चालान में फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट आपने मेंशन किए हैं वो चालान प्लस डॉक्यूमेंट कंपनी को भेजो, सेंड टू कंपनी, कंपनी क्या करेगी, वेरीफाई करेगी कि हम इसका जो क्लेम है वो राइट है कि रॉन्ग है, हाँ। अब ये जो फॉर्म आईपीएफ 5 है ये दोनों चीजों के लिए, डिविडेंड भी क्लेम कर सकते हो आप इससे और शेयर्स भी क्लेम कर सकते हो, हाँ। तो जब ये आईपीएफ गया तो कंपनी के पास इंटीमेशन आती है कि ऐसे ऐसे एक आईपीएफ आपके नाम पे फाइल हुआ है, तो हम वेट करते हैं कि डॉक्यूमेंट आएंगे, जब डॉक्यूमेंट आते हैं हम उनको चेक करते हैं, फिर एक ऑनलाइन वेरिफिकेशन रिपोर्ट आती है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन रिपोर्ट, वो हम भरते हैं प्लस ये डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, हाँ सर, और अटैच कर देते हैं,
ये कहते हुए कि क्लेम अप्रूव्ड और रिजेक्टेड। अगर हम अप्रूव करते हैं तो आईपीएफ अथॉरिटी शेयर डीमैट में और डिविडेंड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। हाँ। और हम रिजेक्ट करते हैं। हाँ, आवाज गई? नहीं, नहीं आ रही है। और रिजेक्ट करते हैं तो आईपीएफ अथॉरिटी उसको बोलता है कि डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करो जो हम अपनी रिजेक्शन रिपोर्ट में लिखते हैं। ओके। फिर जब वो डॉक्यूमेंट रेक्टिफाई करके देता है फिर हम अप्रूव करते हैं फिर उसको ट्रांसफर होता है। तो ये पूरा आईपीएफ का प्रोसेस है। इसमें कंपनी कैसे डिविडेंड और शेयर ट्रांसफर करती है और कैसे शेयर होल्डर्स क्लेम करते हैं ये सब कवर्ड है। अब इस स्लाइड में मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा आप सेक्शन 125 पढ़ो 4 पढ़ो और आईपीएफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रूल्स हैं 2016 वाले। हाँ, उसका रूल 5 और 6 पढ़ो इस स्लाइड। हाँ, आपको ऐसा उसमें कुछ भी नहीं दिखेगा जो आपने नहीं पढ़ा। अभी अपने पास कितना मिनट है? 5 मिनट है क्या? हाँ सर। क्या नींद आ रही है? नींद आ रही नहीं है तो सर। बंद करते हैं। नहीं सर। हाँ सर, मुझे ये पूछना है कि आईपीएफ अथॉरिटी अपना एक अलग ही हेडेक है। हम भले अप्रूव कर देंगे बट वो इवन हाँ, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ के वो हाँ, रिजेक्ट पे रिजेक्ट करते रहते हैं पर वो उनको रिजेक्ट, वैसे आप टैग। वो रिजेक्ट नहीं करते, आप रिजेक्ट करके देती। नहीं सर, हम भेजते हैं ना जब फॉर्म, वो पर अप्रूव ही नहीं करते, वो रीसबमिशन में डाल देते वो नहीं नहीं अगर आप ये देखो प्रोसेस कैसा है। हाँ, जो जो रिक्वायरमेंट उनकी है जब तक आप पूरी नहीं करोगे हाउ कैन दे अप्रूव। अगर उसने लिखा है कि आप चेक की कॉपी लगाओ, मास्टर शीट लगाओ, क्लियर स्टेटस बताओ, आप नहीं करोगे तो फॉर्म रिजेक्ट होएगा। आप क्या प्रोसेस फॉलो करती हो मुझे बताओ। एग्जैक्टली मतलब मेरे कंपनी में, मैंने तो रिसेंटली ज्वाइन किया बट प्रीवियस एक केस था, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे। एक तो उनका रीसबमिशन का मेल भी वो कॉमन फॉर्मेट भेज देते हैं तो हमें समझेगा ही नहीं उनको क्या चाहिए। वो लोग ने 4 बार सेम फॉर्म अपलोड किया, 3 बार रिजेक्ट कर मतलब रीसबमिशन में डाल के 4 टाइम उन्होंने अप्रूव किया। पर किया ना फाइनली अप्रूव, कुछ ना कुछ कमी थी ना जब वो हाँ पूरी सर। करते गए तो आपको ये सर, समझ में। सेम सेम डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए बार बार। हाँ ठीक है, वो क्लर्क के ऊपर भी होता है कि देखने वाला कौन है, वो उसका मूड कैसा है। नहीं सर, बट आईपीएफ वाले वो यूजुअली सब रीसबमिशन में डाल देते हैं, बहुत पहले कम मैं अप्रूव पहले करते हैं। रिकॉर्डिंग बंद करूं अगर कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है तो? सर एक हाँ टेक्निकल सर क्वेश्चन, चले। टेक्निकल बोलो। हाँ क्या क्वेश्चन है? हाँ ये पूछना था अगर वो इसमें ऐसे सस्पेंस अकाउंट में कुछ होता है ना, अगर उसने शेयर्स क्लेम मतलब डिविडेंड क्लेम नहीं किया तो उसके बाद कंपनी को कुछ सस्पेंस अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर करने पड़ते, ऐसा कुछ नहीं होता नहीं है क्या? सस्पेंस अकाउंट जो है वो लिस्टिंग रेगुलेशन से आता है। हाँ और लिस्टिंग रेगुलेशन क्या बोल रहा था, अगर कंपनी ने कभी कोई इशू किया है, राइट इशू किया, पब्लिक इशू किया, बोनस इशू किया, हाँ और वहां के कुछ शेयर्स जो है वो शेयर होल्डर्स ने क्लेम नहीं किया, दैट मीन्स अनडिलीवर्ड, आपके पास शेयर सर्टिफिकेट वापिस आ गए या फिर उसका डीमेट अकाउंट गलत था तो वो वापिस डीमेट अकाउंट के शेयर नहीं क्रेडिट हो पाए उसके अकाउंट में, ओके। हाँ तो ये शेयर अभी कंपनी के पास ही पड़े थे करेक्ट। जी। तो कंपनी लिस्टिंग रेगुलेशन ने क्या बोला, इन सब शेयर्स को आप एक कॉमन डीमेट अकाउंट अनक्लेम सस्पेंस अकाउंट करके उसमें ट्रांसफर कर दो। ओके। लाइक मेरे केस में अराउंड 2000 शेयर सर्टिफिकेट पड़े थे मेरे पास डब्बों में, कितने सालों से अच्छा, पड़े हुए थे, ओ हाँ। सबके ऊपर एनवेलप पे लिखा था लेफ्ट, डाइड, अनडिलीवर्ड। तो जब ये रेगुलेशन आया तो उसमें लिखा था आप इन सब लोगों को 3 बार रिमाइंडर दो, अगर कोई रिस्पॉन्स हाँ नहीं आता तो आप इसको एक डीमेट अकाउंट हाँ खोलो और सबके बदले में नया सर्टिफिकेट इश्यू करो और उस अकाउंट में ट्रांसफर कर ओके दो। समझा। अब उसमें ये बोला कि अब जब कोई शेयर होल्डर आएगा उसकी आइडेंटिटी पूछो और फिर हाँ ये वहां से उसके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। कर दो। तो समझा अनक्लेम सस्पेंस अकाउंट का ये प्रोविजन है और उसमें ये बोला था इसके वोटिंग राइट फ्रीज रहेंगे जी। हाँ करेक्ट। कि आप इसके ऊपर आप वोटिंग, ये लिस्टिंग रेगुलेशन से आ रहा है और इसका स्टेटस हमको डायरेक्टर रिपोर्ट में भी देना पड़ता है। ओके समझा। तो आईपीएफ कौन सा है? आईपीएफ वो है जो 7 साल से लोगों ने डिविडेंड और शेयर ट्रांसफर क्लेम नहीं किए। हाँ और अनक्लेम सस्पेंस वो है जो कंपनियों के पास अनडिलीवर्ड शेयर सर्टिफिकेट या अनक्लेम शेयर सर्टिफिकेट्स पड़े थे
हाँ वो उन्होंने एक अपने ही पास एक अलग अकाउंट में सस्पेंस करके रख लिया कि हमें पता नहीं कि इसका मालिक करेक्ट जिंदा है कि मर गया। आईपीएफ अकाउंट गवर्नमेंट का अकाउंट है जी और अनक्लेम सस्पेंस अकाउंट कंपनी का अकाउंट है। समझा। जी तब ये पूरा प्रोसेस एक बार आपको ऊपर से नीचे दिखा देता हूँ क्या किया हम लोगों ने आज। जी यहाँ से शुरू किया हम लोगों ने डिविडेंड देने का कि बैंक फाइनलाइज करो, बोर्ड मीटिंग करो, पेमेंट डिसाइड करो, डाटा लो, हाँ प्रिंटर डिसाइड करो, मेल करो, एजीएम करो, फिर आरटीए बैंक फाइल देगा, डिविडेंड वारंट प्रिंट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, फिर जो अमाउंट ट्रांसफर नहीं हो पाई या जो डिविडेंड वारंट नहीं डिलीवर हो पाए वो अनक्लेम्ड में पहुंच गए। अब वो पड़े पड़े अगर 7 साल हो गए और 7 साल में जो अमाउंट बनी उसके 30 डेज के अंदर हमको वो अमाउंट ट्रांसफर करनी है, तो हमारे पास अब दो प्रॉब्लम्स आ गई थी कि हमें अमाउंट हाँ ट्रांसफर करनी थी तो उसमें से जितने भी उस डेट तक लोगों ने हमारे रिमाइंडर के बेस पे क्लेम किए वो माइनस करके अपने बाकी पैसा ट्रांसफर किया आईपीएफ हाँ में। उसके लिए मैंने आपको बोला कि आईपीएफ करेक्ट। वन भरने का, चालान जनरेट करने का, बैंक से पेमेंट कराने की, चालान लिंकिंग करने का, हाँ और उसके बाद वो डाटा अपलोड करने का, आईपीएफ अथॉरिटी अप्रूव करेगी और आपका ये फॉर्म खत्म होगा। शेयर हाँ सर ट्रांसफर करने की बारी आई तो हमने कहा शेयर ट्रांसफर करने से पहले हमको उस लिस्ट में से वो लोग निकाल देने हैं जिन्होंने 7 साल में कभी भी डिविडेंड क्लेम किया हो या फिर जिनका शेयर ट्रांसफर के ऊपर प्रोहिबिशन है कोर्ट के थ्रू, राइट। उसके बाद हमने राइट जो बचे हुए शेयर होल्डर थे उनको लिस्टों में बांट दिया कि फिजिकल कितने हैं, डीमैट कितने हैं, एनएसडीएल सीडीएसएल अनक्लेम्ड कितने हैं। फिर हमने उतने ही कॉर्पोरेट एक्शन फॉर्म भरे फीस के साथ, हाँ एनएसडीएल में सबमिट करे, आरटीए ने डाटा अपलोड किया, एनएसडीएल ने अप्रूव किया, हमको 3 लेटर दिए कि हमने आईपीएफ में ट्रांसफर कर दिया है। जब वो 3 लेटर आ गए हमारे पास तो हमने आईपीएफ 4 फॉर्म भरा, उसमें वो लेटर अटैच हाँ किए, डाटा आईपीएफ की साइट पे अपलोड किया और वो फॉर्म अप्रूव हाँ हुआ, तब जाके हमारा प्रोसेस खत्म हुआ। अब जब करेक्ट। हमने एक बार ये प्रोसेस खत्म किया तब जब शेयर होल्डर जिसका गया था वो हमारे पास जब अप्रोच किया तो हमने उसको बोला भैया आप आईपीएफ 5 भरो ऑनलाइन हाँ और फिर हमको डॉक्यूमेंट भेजो, डॉक्यूमेंट ओके होंगे तो हम एक्सेप्टेंस रिपोर्ट देंगे तो आपके शेयर और डिविडेंड मिल करेक्ट। जाएगा, नहीं तो रिजेक्ट करेंगे, जो कमी है वो पूरी करो, जब तक आप कमी पूरी नहीं करोगे रिजेक्ट करते रहेंगे, जिस दिन पूरा प्रूव होगा तब आपको शेयर डिविडेंड मिलेगा। करेक्ट। अब ये था ब्रॉड और ये था सेक्शन। सबसे पहला ये जो है वो डिविडेंड का कि आपको आईपीएफ 1 भरने का है, हाँ कि आईपीएफ 1 जो है आईपीएफ 1 के थ्रू आपको फॉर्म भरने का, अमाउंट ट्रांसफर करने है, 30 डेज ऑफ अमाउंट बिकमिंग ड्यू, ये हाँ रूल्स चल रहे हैं, ठीक है। जी और फिर ये जब ये रूल्स आए थे उन्होंने बोला जिन्होंने पहले एक्सेल फाइल नहीं भरी है वो आईपीएफ 1A में एक्सेल भर दो। फिर उन्होंने बोला कि आपको ये पैसा नेफ्ट में ट्रांसफर करना है। फिर उन्होंने बोला कि अथॉरिटी अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करेगी, कंपनी भी रिकॉर्ड मेंटेन करेगी जो इंस्पेक्शन हो सकती है। फिर उसके बाद एक और प्रोविजन आया कि एजीएम होने के 60 डेज के अंदर अंदर आपको एक जो भी अनपेड डिविडेंड आपके पास है वो एक आईपीएफ 2 फॉर्म भर के गवर्नमेंट को डिटेल दो। तो प्रोसेस वही है, आईपीएफ 2 आरओसी में फाइल होगा, डाटा आईपीएफ की साइट पे अपलोड होगा, जब अपलोड होगी कन्फर्म होगा तब फॉर्म अप्रूव होगा। तो ये फॉर्म क्या कह रहा है कि आपके पास 7 साल का कितना डिविडेंड जो है वो ड्यू पड़ा है एज ऑफ डेट। फिर जी शेयर्स कैसे ट्रांसफर करने हैं, तो शेयर्स के लिए हमने बोला कि आईपीएफ अथॉरिटी के अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं जो एनएसडीएल या सीडीएसएल हो सकता है। फिर हाँ हमने ये बोला कि जिसने एक भी डिविडेंड ले लिया उसका अकाउंट ट्रांसफर नहीं करना है, उसके शेयर्स ट्रांसफर नहीं करने। फिर ये जो प्रोविजन है वो जिस टाइम आया था उस टाइम एप्लीकेबल था। और फिर हमने बोला हाँ कि जब फिजिकल है उसके लिए वो ट्रांसमिशन माना जाएगा, करेक्ट। जो जो इसमें रेलिवेंट है वही आपको मैं बता रहा हूँ, बाद में आप खुद पढ़ोगे तो आपको समझ सर आएगा। फिर इसके लिए हमने बोला जी था सीएस को ऑथराइज किया जाएगा फिजिकल शेयर्स के लिए, प्रोसीजर ट्रांसमिशन का फॉलो करेंगे, शेयर होल्डर्स को हम इंटीमेट करेंगे 3 महीना पहले, जिनके ऊपर कोई कोर्ट का करेक्ट। ऑर्डर है वो शेयर हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, उसके लिए हम आईपीएफ 3 फाइल करेंगे, हाँ और जो डीमेट वाले हैं वो कॉर्पोरेट एक्शन फॉर्म करेंगे, ऑन रिसिप्ट ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन फॉर्म डिपॉजिटरी ट्रांसफर करेगा। और फिजिकल फॉर्म के लिए हमने ऑलरेडी बोला एक सिंगल सर्टिफिकेट बनेगा जिसको हम लोग कॉर्पोरेट एक्शन के थ्रू आरटीए और एनएसडीएल मिलके आईपीएफ अथॉरिटी के उसमें ट्रांसफर करेंगे। फिर हाँ सर उसके बाद आईपीएफ 4 जी में ये स्टेटमेंट हम देंगे कॉर्पोरेट एक्शन लगा के, और जितने भी आईपीएफ में शेयर्स ट्रांसफर होते हैं उनकी जो वोटिंग राइट है वो भी फ्रीज रहेंगे।
और जो भी आपने रख ट्रांसफर किया उसका रिकॉर्ड आप मेंटेन करोगे। फिर आगे क्या बोला कि जो भी अगर आपने शेयर ट्रांसफर कर दिया आईपीएफ में, उसके ऊपर अगर कोई भी डिविडेंड आता है, बोनस आता है, वो भी आईपीएफ 4 के थ्रू आपको आईपीएफ के अकाउंट में ही ट्रांसफर करना है। और फिर आईपीएफ अथॉरिटी जो है वो सिर्फ उसको डिविडेंड शेयर वापस करने के अलावा और कोई यूज नहीं करेगी। जी ओके। और फिर बोला अगर कम डिलिस्ट हो रहा है तभी आईपीएफ अथॉरिटी जो है वो शेयर जो है वो दे सकती है, क्योंकि डिलिस्टिंग अगर कोई कंपनी डिलिस्ट हो रही है तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। जी, तो आईपीओ अथॉरिटी वो शेयर टेंडर करके उसका पैसा मिलेगी, वो फंड में ट्रांसफर कर लेगी अपने। सेम केस वाइंडिंग अप में भी। जी, और जो डिविडेंड डिविडेंड मिलेगा वो आईपीएफ 7 के थ्रू हमें ट्रांसफर करना है, और उसकी डिटेल हमको आईपीएफ 7 में 30 डेज में देनी है आईपीएफ को। जी, और कोई भी नॉन कंप्लायंस है तो अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने को पेनल्टी के नोटिस देगी। ठीक है, अभी मुझे बताओ जो स्टार्टिंग अंडरस्टैंडिंग थी 2 लाइन वाली कि हमको 7 साल में डिविडेंड अनक्लेम ट्रांसफर से ट्रांसफर करना पड़ता है और शेयर ट्रांसफर करना पड़ता है, अब उसका ये लॉ था रूल 5 और 6 और ये प्रोसीजर था। क्लियर है? जी सर, करें क्लोज? जी, ठीक है, यस सर, गुड नाइट। ठीक, चलो, थैंक यू गुड टाइम नाइट सर, निकालने गुड के नाइट, लिए। थैंक यू सर, फिर कुछ थैंक भी यू सर, रहेगा तो थैंक यू वीडियो सर, डालूंगा, वो आप उसको रेफर कर सकते।